नमस्कार, मैं प्रिया। जो 27 सितंबर खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नौका विहार और जंगल ट्रेल होगा वीटीआर का आकर्षण केंद्र। बिहार बोर्ड कक्षा 11वीं एडमिशन की तीसरी चयन सूची आज होगी जारी। बिहार में मिले कोविड-19 के 10 से कम अंक। बिहार में यूपीएससी टॉपर शुभम कुमार का किया गया भव्य स्वागत। बिहार में बदल सकती है ग्रामीण बैंकों की सूरत। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीपीएससी ने 67वीं परीक्षा के लिए किए कई बदलाव। बीपीएससी ने 67वीं परीक्षा के लिए अहम बदलाव कर दिए हैं, जिसके तहत अभ्यर्थियों को परीक्षा फॉर्म भरने के समय विशेष सतर्कता बरतनी होगी। इसको लेकर आयोग के संयुक्त सचिव से परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने अधिसूचना जारी कर दी है, जिससे कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के समय ही रजिस्ट्रेशन और आवेदन भरने की प्रक्रिया एक साथ पूरी की जा सकती है। अभी तक ये दोनों प्रक्रियाएं अलग अलग होती थी। इसको लेकर बीपीएससी ने सभी छात्रों के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर जारी सारी जानकारी जारी कर दी है। परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि पहले परीक्षा फॉर्म और रजिस्ट्रेशन करवाने में कम से कम 2 से 3 दिन लगते थे, लेकिन अब 1 घंटे में रजिस्ट्रेशन भुगतान और फॉर्म भरने की प्रक्रिया की जा सकती है। बिहार बोर्ड कक्षा 11वीं एडमिशन की तीसरी चयन सूची आज करेगा जारी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में इंटरमीडिएट परीक्षा 2021-23 के लिए हो रहे दाखिले की तीसरी चयन सूची आज जारी हो जाएगी, जिसके तहत चयन सूची के आधार पर शिक्षण संस्थान में नामांकन आज से 1 अक्टूबर तक कराया जा सकेगा। इसको लेकर बोर्ड ने शिक्षण संस्थानों के प्राचार्य को आदेश जारी कर दिया है। बोर्ड ने कहा है कि शिक्षण संस्थानों के प्राचार्य अपने संस्थान में नामांकित विद्यार्थियों का विवरण 2 अक्टूबर 2021 तक OFSS पोर्टल यानी कि www.ofssbihar.in पर अपडेट करना सुनिश्चित करेंगे। ऑनलाइन नामांकन संबंधित सारी जानकारी OFSS की वेबसाइट से आसानी से प्राप्त की जा सकती है। इसके साथ ही अन्य जानकारी के लिए 0612-223-0009 पर संपर्क आप कर सकते हैं। नौका विहार और जंगल ट्रेल होगा वीटीआर का आकर्षण केंद्र। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का भ्रमण करने के लिए आने वाले पर्यटक अब नौका विहार और जंगल ट्रेल का आनंद उठा सकेंगे। जिन रास्तों में वन जीव आते जाते हैं, उन रास्तों को पर्यटकों के लिए विकसित किया जाएगा। इससे पर्यटकों को जंगली जानवरों को करीब से देखने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही पर्यटकों को प्रकृति और ज्यादा अंदर से देखने और समझने का मौका मिल सकेगा। इसके साथ ही वीटीआर में नौका विहार को भी विकसित किया जाएगा। करीब 3 किलोमीटर लंबी नौका विहार मार्ग को विकसित करने की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। बघा SDM दीपक कुमार मिश्र ने इस बाबत बताया कि VTR में इको टूरिज्म को विकसित करने की प्रशासनिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चरणबद्ध तरीके से विकास होगा। सबसे पहले नौका विहार पर काम होगा, इसके लिए त्रिवेणी कैनाल की सफाई की जानी है। बिहार में मिले कोविड-19 के 10 से कम मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 7 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 67 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो गोपालगंज में 3, कटिहार में 1, मधेपुरा में 2, पटना में 1 मामले की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, ईस्ट चंपारण, गया, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल, वैशाली, वेस्ट चंपारण में 1 भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,52,300 सैंपल की जांच की गई और 4 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। बिना इंश्योरेंस के चलाने वाले वाहन चालकों को अब भरना होगा डबल जुर्माना। बिहार में अगर आप भी फर्राटेदार गाड़ी चलाते हैं और अगर आपका इंश्योरेंस आपके पास नहीं है तो ऐसे लोगों के लिए ये खबर कुछ खास है। बिहार में बिना इंश्योरेंस के चलने वाले वाहन चालकों को डबल जुर्माना देना पड़ सकता है। बिहार ट्रैफिक पुलिस ने इसको लेकर लगातार शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हेलमेट और सीट बेल्ट के साथ शनिवार को जिलों में वाहन के परमिट और बसों में निर्धारित दर से अधिक किराया वसूली को लेकर विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान 667 वाहनों की जांच की गई, जिसमें नियम उल्लंघन करने वाले 346 वाहनों पर जुर्माना लगाया गया, जिसकी जानकारी परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने दी। उन्होंने कहा कि बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर जुर्माने के तौर पर 2,000 रुपये लिए जाएंगे, वहीं दूसरी बार पकड़े जाने पर 4,000 रुपये जुर्माना लिया जाएगा।
एक तारीख से इन जिलों में शुरू हो जाएगी बालू खनन की प्रक्रिया। बिहार में लगातार जारी बालू खनन की समस्या से निजात मिलने वाला है। 1 अक्टूबर से बिहार के कई जिलों में बालू खनन की शुरुआत होने वाली है। एनजीटी के निर्देशों के अनुसार पटना, भोजपुर, सारण, रोहतास, औरंगाबाद और गया जिले सहित राज्य में बालू का खनन फिर से 1 अक्टूबर से शुरू होगा। इन 6 जिलों के लिए पहले से मिली हुई पर्यावरणीय स्वीकृति को पुराने बंदोबस्तधारियों से नए बंदोबस्तधारियों को स्थानांतरित करने की मंजूरी सिया ने दे दी है। राज्य में यह नई व्यवस्था लागू की गई है। पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। इसके बाद लोगों को उचित कीमत पर आसानी से बालू मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। पटना सहित राज्य के कई स्थानों पर 10 से 12 हजार रुपए प्रति 100 CFT बालू मिल रहे थे और इसकी जानकारी सामने आई है। दूसरे राज्यों के साथ बिहार की बेहतर होगी कनेक्टिविटी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब से सत्ता संभाली है तब से सड़कों के जीर्णोद्धार का काम जोर शोर से किया जा रहा है। यही कारण है कि आज बिहार की कई प्रमुख सड़कें देखने लायक है। हालांकि अब बिहार की कनेक्टिविटी को और ज्यादा बेहतर करने की योजना के साथ काम जारी है। यही कारण है कि 60,000 करोड़ की 8 NH परियोजनाओं को शामिल किया गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि बिहार सरकार के इस पहल से केंद्र का साथ भी मिल रहा है। यही कारण है कि भारतमाला परियोजना के दूसरे चरण में बिहार की 8 NH को शामिल करने पर केंद्र सरकार ने मौखिक सहमति दे दी है। साथ ही इस पर सकारात्मक पहल शुरू हो गया है। चक्रवाती तूफान गुलाब को लेकर बिहार में भी जारी हुआ अलर्ट। चक्रवाती तूफान गुलाब को लेकर लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है। हालांकि बिहार के लिए यह खास इसलिए है क्योंकि मौसम वैज्ञानिकों की माने तो इस तूफान का असर बिहार में भी देखने को मिल सकता है। पटना मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के मौसम में अगले 2 से 3 दिनों में बदलाव देखने को मिलेगा। बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की ओर कम दबाव का क्षेत्र विकसित हो रहा है, जिसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि पटना समेत 11 जिलों में गुलाब का असर गहरे दबाव के रूप में परिवर्तित होकर चक्रवाती हवा के रूप में सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार गुलाब तूफान ओडिशा होते हुए आंध्र प्रदेश के कालीगंगापट्टनम की तरफ बढ़ रहा है। अगले 24 घंटे के भीतर यह तूफान आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों से टकरा सकता है। बिहार में यूपीएससी टॉपर शुभम कुमार का किया गया भव्य स्वागत। यूपीएससी टॉपर शुभम कुमार बीते दिन अपने घर कटिहार पहुंचे। जैसे ही वो अपने निवास की गली में प्रवेश करके पहुंचे, उनका बैंड बाजों के साथ भव्य स्वागत हुआ। सभी शुभम की जय जयकार करने लगे। आस पड़ोस के युवा उनके साथ सेल्फी लेने के लिए बेताब हो पड़े। वहीं जैसे ही शुभम घर पहुंचे तो मां ने उन्हें गले से लगा लिया। इसके बाद उन्हें तिलक लगाकर फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान पिता की आंखों में खुशी के आंसू और मां की ममता देखकर सभी लोग भावुक हो गए। वहीं शुभम कुमार की सफलता के लिए किशनगंज के डीएम ने उनका स्वागत किया, साथ ही ढेरों शुभकामनाएं भी दी। इसके साथ ही सीएम नीतीश ने भी फोन करके शुभम कुमार के माता पिता से बातचीत कर उन्हें शुभकामनाएं दी है। वहीं इस दौरान शुभम कुमार ने बताया कि जैसे ही वो जिलाधिकारी का पद संभालते हैं वैसे इलाके में आने वाली बाढ़ की समस्या से निजात दिलवाने की कोशिश करेंगे। नालंदा जिले के हिंसोंग मेमोरियल हॉल में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। बुद्ध और महावीर कई बार नालंदा में ठहरे थे। माना जाता है कि महावीर ने मोक्ष की प्राप्ति पावापुरी में की थी, जो नालंदा में स्थित है। बुद्ध के प्रमुख छात्रों में से एक शारिपुत्र का जन्म नालंदा में हुआ था। वहीं आज हम आपको हिंसोंग मेमोरियल हॉल के बारे में बताने जा रहे हैं। यह मेमोरियल हॉल एक नवनिर्मित भवन है। यह भवन चीन के महान तीर्थयात्री हिंसोंग की याद में बनाया गया है। इसमें हिंसोंग से संबंधित वस्तुओं तथा उनकी मूर्तियां देखी जा सकती है, जिसके तहत अगर आप कभी भी नालंदा जिले का भ्रमण करने जाए तो इस मेमोरियल हॉल में जरूर जाए। बिहार में बदल सकती है ग्रामीण बैंकों की सूरत। बिहार के ग्रामीण बैंकों की जल्द ही सूरत बदलने वाली है और बड़े बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। मेरी जानकारी के अनुसार ग्रामीण बैंक की संरचना में परिवर्तन करने की योजना पर काम हो रहा है। सिर्फ बैंक की संरचना में ही नहीं बल्कि वहां काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्त में भी संशोधन प्रस्तावित किया गया है। ज्वाइंट फोरम ऑफ ग्रामीण बैंक के संयोजक DN त्रिवेदी ने इस बाबत अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से हो रही पहल से सकारात्मक बदलाव की उम्मीद जागी है। श्रम मंत्रालय के नई दिल्ली स्थित मुख्य श्रम आयुक्त के समक्ष ज्वाइंट फोरम ऑफ ग्रामीण बैंक यूनियन के साथ समझौता वार्ता सफल रही है। बैंक में होने वाले इस बदलाव का असर उपभोक्ताओं को मिलने वाली सेवाओं पर भी पड़ने की संभावना रहेगी। बिहार में कॉर्पोरेट कॉल से उपभोक्ताओं को मिलेगा बिजली बिल का रिमाइंडर। बिहार में अब से बकाया बिजली बिल के भुगतान का रिमाइंडर नए अंदाज में उपभोक्ताओं को मिलने वाला है। इसको लेकर बिजली कंपनी ने खास तैयारी कर ली है, जिसके तहत ही उपभोक्ताओं को अब कॉर्पोरेट अंदाज में रिमाइंडर देने की तैयारी हो रही है। इसको लेकर बिजली कंपनी ने भारत संचार निगम लिमिटेड से करार कर लिया है। करार के तहत पोस्टपेड और प्रीपेड दोनों श्रेणी में बिजली उपभोक्ताओं के लिए फोन पर बैलेंस के बारे में उन्हें जानकारी दी जाएगी। बिजली कंपनी की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार अधिकारियों की तरफ से बताए गए बकाया बिजली बिल वाले उपभोक्ताओं को सूचना नियमित रूप से सभी डिविजन के पास मौजूद रहते हैं। इतना ही नहीं, उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर भी बिजली कंपनी के पास मौजूद होते हैं। ऐसे में कंपनी ने यह तय किया है कि हर रोज बिजली बिल के बकायेदारों को सूची BSNL की तरफ से भेजी जाएगी। भारत बंद को
को मिला राजद का साथ। देशभर के किसानों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है। हालांकि बिहार में इस बंद का असर देखने को मिलने वाला है, क्योंकि भारत बंद का समर्थन राजद पार्टी खुद करने वाली है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बंद हम लोगों ने नहीं बुलाया, किसान संगठनों ने बुलाया है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बैठक कर समर्थन देने की घोषणा की। इसको लेकर मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि भारत बंद को सफल बनाने के लिए बिहार के सभी विपक्षी दल इसके समर्थन में है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सड़क पर उतरकर भारत बंद का समर्थन करने के बारे में उन्होंने कहा कि जरूर वो समर्थन करेंगे। दिल्ली पहुंचकर सीएम नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना को बताया देश हित में। जातीय जनगणना को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिहार के सभी दलों के लोगों ने जातीय जनगणना कराने की मांग की है। केंद्र सरकार फिर से ठीक ढंग से इस पर विचार करे, जातीय जनगणना देश हित में है। इसके साथ ही सीएम नीतीश ने आगे ये भी कहा कि जो हम लोगों ने कहा है वो एकदम उचित है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्र द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे को लेकर कहा कि वो आर्थिक और सामाजिक को लेकर है, इसमें जातीय जनगणना को नहीं जोड़िए। मैं चाहता हूं कि केंद्र सरकार इस पर ठीक ढंग से विचार करे और ये देश हित का मामला है। तेजप्रताप यादव पैदल पहुंचे चितकोहरा पुल। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव अक्सर अपने कारनामों के कारण सुर्खियों में बने रहते हैं। इसी कड़ी में बीते दिन एक बार फिर से उनकी चर्चा मीडिया में लगातार हो रही थी, क्योंकि तेजप्रताप यादव पैदल ही चितकोहरा पुल के नीचे दलित बस्तियों के पास पहुंच गए, जहां पहुंचकर उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत की। इस दौरान एक मीडिया से बातचीत करने के दौरान उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद ने गरीबों को बसाने का काम किया था और नीतीश सरकार गरीबों को उजाड़ने का काम कर रही है। तेजप्रताप यादव के साथ छात्र जनशक्ति परिषद के अध्यक्ष प्रशांत प्रताप यादव और राष्ट्रीय प्रवक्ता बबलू सम्राट भी थे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि महिला, युवा और बच्चे तेज प्रताप यादव की आवास पर गुहार लगाने पहुंचे थे। इसके बाद से ही तेज प्रताप यादव स्थानीय स्थिति देखने के लिए रवाना हुए। अध्यक्ष विजय सिन्हा चलाएंगे प्रदेश व्यापी जागरूकता अभियान। अक्टूबर में बिहार विधानसभा भवन शताब्दी समारोह का भव्य आयोजन होने वाला है। हालांकि इससे पहले बिहार विधानसभा अध्यक्ष जल्द ही प्रदेश व्यापी जागरूकता अभियान चलाने वाले हैं। मिली जानकारी के अनुसार यह अभियान सिर्फ आम लोगों के लिए ही नहीं बल्कि बिहार के विधायकों, मुखिया और अन्य जनप्रतिनिधियों के लिए भी होगा। जागरूकता अभियान की शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद विधानसभा अध्यक्ष के सरकारी आवास दो देश रत्न मार्ग से करने वाले हैं। वहीं शताब्दी समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी शिरकत करेंगे। वो 20 अक्टूबर को पटना आएंगे। 21 अक्टूबर को बिहार विधानसभा भवन शताब्दी समारोह का आयोजन होगा, जिसके बाद शाम में सांस्कृतिक कार्यक्रम और रात में भोजन का आयोजन करेंगे। इसके साथ ही राष्ट्रपति बिहार विधानसभा के सरकारी आवास पर एक खास तख्ती भी लगाएंगे, जिसमें 5 सामाजिक अभिशाप से मुक्ति के नारे लिखे होंगे। राजद ने जातीय जनगणना पर भाजपा के फंसने की कही बात। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर लगातार मांग देखी जा रही है। इसी कड़ी में अब राजद ने इस मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया है, जिसके तहत राजद ने अब भाजपा पर निशाना साधा है। प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि भाजपा के लोग इधर उधर की बात करते हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाले डेलीगेशन में भाजपा के मंत्री भी शामिल है। सच तो यह है कि भाजपा जातीय जनगणना नहीं कराने पर फंस गई है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि जातीय जनगणना पर भाजपा अलग थलग पड़ गई है। एनडीए के सभी सहयोगी दल हम लोगों के साथ है। सभी लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो, केवल भाजपा ही ऐसा नहीं चाहती है। बिहार के पैसे को बाहर नहीं भेज सकेंगे बैंक। बैंक राज्य के पैसे को बाहर नहीं भेज पाएंगे, ये बातें हमारा नहीं बल्कि राज्य के उप मुख्यमंत्री का कहना है। उत्तर बिहार वाणिज्य एवं उद्योग परिषद के 64वीं वार्षिक आम सभा को संबोधित करने के दौरान उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने अपना बयान जारी करते हुए ऐलान किया है, जिसके तहत उप मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि बैंक राज्य के पैसे को बाहर नहीं भेज पाएंगे, इसे सूबे के विकास में लगाया जाएगा। COVID-19 के कारण बंद पड़े उद्योग धंधे को शुरू करने और नए उद्योग लगाने के लिए बैंकों को सहयोग करने के लिए भी इस दौरान उन्होंने कहा। इसके साथ ही इस दौरान उन्होंने बताया कि बैंक के रवैये से उद्यमी, व्यवसायी और आमजन परेशान है। व्यवसायियों को कोई भी आधिकारिक तंग ना करे, इसके लिए भरोसा दिलाया जाए। पीएम मोदी ने मन की बात में छठ को लेकर कही अहम बात। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से मन की बात कार्यक्रम के तहत पूरे देश का संबोधन किया। इस दौरान उन्होंने बिहार के मशहूर पर्व छठ को लेकर अहम बात कही, जिसके तहत उन्होंने इसे नदियों की स्वच्छता के लिए बड़ा अवसर बताते हुए कहा कि कुछ दिनों में छठ के लिए नदियों की सफाई शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने इस बार नदियों की स्वच्छता पर अपना फोकस रखा है। उन्होंने विश्व नदी दिवस का जिक्र करते हुए कहा कि हम नदियों को माँ कहते हैं और इनके लिए गीत गाते हैं, तो ये सवाल उठता है कि ये नदियां प्रदूषित कैसे हो जाती है। पीएम मोदी ने कहा कि छठ में नदियों की सफाई की परंपरा रही है। पर्व त्योहार को देखते हुए शुरू होगी पटना से 16 शहरों के लिए सीधी फ्लाइट। पर्व त्योहार के दौरान विमानों से सफर करने वाले यात्रियों के लिए अहम सूचना। पर्व त्योहार को देखते हुए पटना से अब 16 शहरों के लिए सीधी फ्लाइट का संचालन किया जाएगा। इन शहरों के लिए पहले से संचालित होने वाले विमानों के अलावा और भी विमान बढ़ाने का फैसला किया गया है, जिसके तहत चेन्नई पटना, रांची पटना, पुणे पटना, सूरत पटना, गुवाहाटी पटना, अमृतसर पटना, हैदराबाद पटना, लखनऊ पटना, कोलकाता पटना, मुंबई पटना मुंबई, दिल्ली पटना दिल्ली, अहमदाबाद पटना, बेंगलुरु पटना बेंगलुरु के लिए विमान सेवा की शुरुआत होने वाली है।
जातिगत जनगणना अब राज्य सरकार के हाथ। जातीय जनगणना को लेकर लगातार बिहार में बहस छिड़ी हुई है। इसी बीच जातीय जनगणना के मुद्दे पर भाजपा और जदयू के अलग अलग विचार भी सामने आ रहे हैं, जिसके तहत उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी अपना बयान जारी किया है और कहा है कि जातीय जनगणना कराना केंद्र सरकार के लिए असंभव है। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि यदि राज्य सरकार इसे कराना चाहती है तो करवा सकती है, इसके लिए राज्य सरकार स्वतंत्र है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कर्नाटक सरकार ने तो 2015 में जातीय जनगणना कराई थी, लेकिन आज तक उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। यानी कि बातों में ही सुशील कुमार मोदी ने जातिगत जनगणना के मुद्दे से अपना पलड़ा झाड़ लिया है। मंत्रियों के साथ हुई बैठक में बोले नीतीश कुमार। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्रीय मंत्रियों के साथ हुई बैठक का हिस्सा बने राजधानी दिल्ली पहुंचे थे और बैठक के बाद उन्होंने बिहार की स्थिति को लेकर कई बातें कही, जिसके तहत उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि बिहार में पहले से नक्सलवाद की समस्या कम हुई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसे जड़ से खत्म करने की जरूरत है। बैठक के बारे में कहा कि ये बैठक 2006 से प्रत्येक साल हो रही है। कोरोना के चलते ये बैठक 2019 और 2020 में नहीं हुई। 2 साल बाद फिर से ये बैठक हो रही है। देश के 10 राज्य नक्सलवाद से प्रभावित है। इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व में 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होती है। इस बैठक में उपद्रव प्रभावित राज्य अपनी रिपोर्ट केंद्र को सौंपते हैं। इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत पाक के विदेश मंत्रियों की बातचीत 2009 में शुरू हुई। मिहिर सेन 1958 में ब्रिटिश चैनल को तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय बने। मीर कासिम 1760 में बंगाल के नवाब बने। सरदार पटेल के बड़े भाई एवं प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी विठल भाई पटेल का जन्म 1871 में आज के दिन हुआ। भारतीय निदेशक यश चोपड़ा का जन्म 1932 में आज के दिन हुआ। समाज सुधारक राजा राम मोहन रॉय का निधन 1833 में आज के दिन हुआ। भारत गीतकार आशुकवि राजेश राज का निधन 1956 में आज के दिन हुआ। आज के मुकाबले में एक दूसरे से भिड़ेगी एसआरएच और राजस्थान की टीम। आईपीएल के दूसरे फेज के आज के मुकाबले में सनराइजर हैदराबाद और राजस्थान की टीम एक साथ भिड़ने वाली है। अगर पॉइंट टेबल की बात करें तो सनराइजर हैदराबाद और राजस्थान की टीम दोनों फिलहाल नीचे नजर आ रही है। खेले गए 9 मैचों में से राजस्थान की टीम ने अब तक 4 मैच जीते हैं। वहीं 5 मैच में टीम को हार का सामना करना पड़ा है, जिसके तहत ये टीम 7वें पायदान पर है। वहीं बात सनराइजर हैदराबाद की करें तो सनराइजर हैदराबाद ने भी अब तक 9 मैच खेले हैं, जिसमें से टीम को सिर्फ 1 मैच में जीत मिली है। बाकी के 8 मैच में टीम को हार का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद आज यह दोनों टीम जीत के इरादे से मैदान में उतरने वाली है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 26 सितंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 44,440 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 45,580 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 59,900 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 103.89 रुपए प्रति लीटर और डीजल 94.32 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है अभिषेक कुमार, रिया वर्मा, सिद्धार्थ कुमार, दीपक कुमार, ओमकार सिंह, विकास कुमार सिंह, अखिलेश यादव, रामचंद्र पासवान, अनिल यादव, दिव्यांशु कुमारी, पवन कुमार, मोहम्मद ताहिर, मनोज कुमार, कुंदन सर, जगन्नाथ महतो, नीतीश कुमार, अमन कुमार, अशोक ठाकुर। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार की सबसे अच्छी राजनीतिक दल कौन रही है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।